अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कमाल अनवर ख़ान है और मैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है मैं भी इंसान हूँ। देखें, हम लोगों की खिदमत में, रिश्तेदारों की खिदमत में, दुनियादारी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें अपना आप भूल जाता है, हमें अपनी केयर करना भूल जाती है, हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करना भूल जाती है। तो इससे ये होता है कि हम पीछे रह जाते हैं। आपको थोड़ा सा काम अपने लिए भी करना चाहिए, अपने आप को भी वर्थ देनी चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, अपना तशख्स कायम रखना चाहिए। जो लोग अपनी शान व शौकत के लिए, अपने मकाम के लिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए काम नहीं करते ना, वो तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। और फिर उनका हाल वही होता है जो वो उस बीवी का हुआ था जिसने सारा दिन मेहनत करके, सारा दिन सफाइयाँ की, घर साफ़ किया, झाड़ू पोछ की, जाले उतारे, सेंध धोए, और शाम को जब उसका मियाँ जॉब से वापस आया तो उसने थूकना था, उसे थूक आ गई, उसने थूकना था, इर्द गिर्द देखा तो हर जगह साफ़ थी। तो वो जो औरत जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया था ना, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया था, अपना मुंह नहीं धोया था, उसने उसी मुंह औरत के मुंह पे थूक दिया, अपनी बीवी के मुंह पे थूक दिया। बीवी कहती है ये क्या किया है? कहता है मैंने इर्द गिर्द देखा है, कोई मैली जगह ही नहीं थी तुम्हारे मुँह के सिवा, तो फिर मैं और क्या करता। या फिर आपकी हालत वो होगी जो उस भाई की थी जिसने बाप के मरने के बाद माँ का, बहनों का और भाई का सहारा बना और अपनी पढ़ाई छोड़ के बहन भाइयों की पढ़ाई में लग गया। बहनें तो ग्रेजुएट हो गई, भाई तो डॉक्टर बन गया, लेकिन वो भाई कहाँ रहा? वो वहीं गांव का गांव में ही रह गया। सही, आज उसकी बहनें, उसके भाई उसे पर मंथ पूरा 1,000 रुपया देते हैं, 1,000। 1,000 से क्या होता है? अब 1,000 में वो अपना घर का अखराजात भी बर्दाश्त कर रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा। अगर उस टाइम उस भाई ने अपने लिए कुछ किया होता, कुछ वर्क अपने लिए किया होता, कुछ अपने आप को वर्थ देता, तो आज ये नौबत ना आती। एक तो उनका एहसान भी है, अब उनका एहसान है, जो पहले वाला एहसान था वो भूल गया, दूसरा एहसान उस पे गालिब आ गया। सही, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए, हमें अपनी माओ बहनों को समझाना चाहिए। अगर आज हम नहीं समझाएंगे तो हमारी माँ बहन की भी हालत वही होगी जो उस औरत की हुई है जिसकी मिसाल मैंने पहले दी है। अगर हम अपने आप को नहीं समझाएंगे, हम अपनी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रखेंगे, हम अपना तशख्स बरकरार नहीं रखेंगे, तो हमारी हालत भी आज उसी भाई की तरह होगी जिसकी मैंने आपको मिसाल दी है। अपने लिए भी कुछ वर्क करें, 90% माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मुल्को कौम के लिए कर दें, लेकिन 10% अपने लिए भी जोड़ें, 10% वर्क अपने लिए भी करें। मैंने दुनिया में बहुत से लोग देखे हैं जो माँ बाप की मोहब्बत में, बहन भाई की मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में अपनी ज़मीन जायदाद घर उनके नाम लगवा देते हैं और एट द एंड वही उन्हें उस घर से निकाल देते हैं। सही है ना जी? तो आपको चाहिए कि आपकी जो अंगूठी है, आपकी जो ब्रेसलेट है, आपकी जो घड़ी है, आपका जूता है, आपके कपड़े हैं, वो किसी को ना दें। बेशक उससे अच्छा लेके दे दें, लेकिन अपनी चीज़ किसी को ना दें। इससे आपकी अपनी आइडेंटिटी तबाह होती है, आपका अपना वो जो एक मेयार है, एक लेवल है, एक नाम है, वो ख़त्म हो जाता है। हो सकता है आपका नाम ही आपकी उसी घड़ी से हो, आपकी उसी अंगूठी से हो, आपकी उसी घर से हो, आपकी उसी जायदाद से हो, जो आप किसी को दे देंगे फिर आपका नाम कहाँ से रहेगा? सही, ख़त्म हो गया ना। तो जो लोग अपने लिए काम नहीं करते ना, वो भी तबाह हो जाते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कमाल अनवर ख़ान है और मैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट